जरा सोचो, एक दिन तुम्हारी आंखें खुलें और तुम्हें पता चले कि तुम पास्ट में पहुंच गए, ऊपर से तुम्हारा हथियार भी गायब है। ए लड़की कैसे बन गया मैं? कुछ ऐसा ही होता है बोंग के साथ। बोंग साउथ कोरियन प्रधानमंत्री के ऑफिशियल घर में हेड शेफ की पोस्ट पर है। शाम के समय उसे बताया गया कि आज चाइनीज एम्बेसडर मेहमान बनकर वहां आने वाले हैं। एम्बेसडर को मछली की हड्डी से सख्त एलर्जी है, इसलिए बोंग को सख्त ऑर्डर्स दिए गए कि डिनर में बिना हड्डी के बेहद टेस्टी मछली की डिश तैयार करे। ये सुनते ही बोंग तुरंत अपने काम में जुट गया। रात के समय जब उन्होंने एम्बेसडर को डिनर परोसा तो पहले ही निवाले में खाने में फिश हुक निकला। अब बोंग के सर पर बड़ी मुसीबत आ पड़ी थी। पूरे महल में गार्ड्स उसे ढूंढने लगे। दो पुलिस वाले तो उसे ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच गए। बोंग को पता था कि अब तो उसकी खैर नहीं, इसलिए उसने बालकनी से कूदकर भागने की कोशिश की। उधर ऑफिसर्स भी उसका पीछा कर रहे थे। इसी हड़बड़ी में बोंग का हाथ फिसल गया और वो सीधा एक स्विमिंग पूल में जा गिरा। उसका सर जोर से स्विमिंग पूल के फ्लोर पर टकराया, फिर अचानक से वो और नीचे डूबता ही चला गया। तभी एक सुंदर सी लड़की तैरते हुए उसके पास आई और उसके होठों पर एक चुम्मी चिपका दी। जब बोंग की आंख खुली तो उसने खुद को एक अजीब से बेड पर उससे भी अजीब कमरे में पाया। बोंग को महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है और वो जल्दी से एक शीशे के सामने गया। शीशा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि भैया अब दीदी बन चुके थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर उसने सोचा कि सपना ही होगा, ये सच में थोड़ी ना लड़की बन जाऊंगा। बोंग ने कमरे से बाहर निकलकर पता करने की कोशिश की कि माजरा क्या है। वहां उसे बहुत सारी लड़कियां मिली जो उसे देखते ही जय हो राजकुमारी की कहकर सर झुकाकर बैठ गई। बोंग और कंफ्यूज हो गया और उसने घबराकर बाहर की तरफ भागना शुरू कर दिया। बाहर जाकर उसने नोटिस किया कि छोटा बोंग तो गायब है। हे भगवान, मैं मर क्यों नहीं गया? तुम साओ क्या कर दिया तुमने मेरे साथ? उसे लगा कि किसी ने उसे किडनैप करके उसका सेक्स चेंज कर दिया है, लेकिन जब उसने अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि असल में वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आ चुका था। अगली सुबह बोंग ने उठकर अपनी दासी से अपनी पहचान के बारे में पूछा। पता चला कि वो किसी तरह 19वीं सदी में पहुंच गया था। वो किम सो योंग नाम की एक राजकुमारी के शरीर में था, और तो और कुछ ही दिनों में उसकी शादी महाराज चियोल युंग से होने वाली है, जिसके बाद वो रानी बन जाएगा। दासी ने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले वो पास के तालाब में डूब गई थी। वो तो सैनिकों की नजर पड़ गई जो उसे बचाकर महल में वापस ले आए। ये सुनकर बोंग ने हिसाब लगाया कि उसकी और किम की आत्माएं आपस में बदल गई होंगी और अब घर वापस जाने का एक ही तरीका है, वो तालाब। बोंग ने दासी से उसे तालाब के पास ले जाने को कहा। वो तालाब में कूदकर वर्तमान समय में वापस आने की तैयारी में था, लेकिन उसका प्लान मिट्टी में मिल गया जब वो सीधा जाकर कीचड़ में गिरा। बोंग ये सुनकर हताश हो गया, लेकिन उसे पता था कि उसकी मुश्किल का हल पानी ही है। जहाँ भी उसे पानी मिलता वो जबरदस्ती खुद को उसमें डुबाने लगता, यहाँ तक कि उसने पोछे वाली बाल्टी में भी अपना मुँह दे दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं। कुछ दिन बाद उसकी शादी का दिन आ गया। बोंग को महल के रीति रिवाजों के बारे में कुछ पता तो था नहीं, पर उसने दासियों की मदद से जैसे तैसे सारी रस्में पूरी की। खैर, प्रमोशन तो हुई थी उसकी, एक ही झटके में बावर्ची से रानी बन गया। बताओ और क्या चाहिए? फिर आया सुहाग रात का समय। इस बारे में सोचकर ही बोंग के पेट में गुड़गुड़ होने लगी, तो उसने राजा को इतनी शराब पिलाई कि वो टल्ली होकर सो गया। राजा के सोने के बाद ही बोंग ने चैन की सांस ली। अगले दिन बोंग के उठने पर नौकर उसके लिए खाना लेकर आए, लेकिन वो उसे इतना बकवास लगा कि अच्छी खासी भूख मर जाए। उसने शाही बावर्ची के लिए मैसेज भिजवाया कि उसे रामन नाम की एक जापानी डिश बनाकर दे। बावर्ची को ऐसा कुछ बनाना आता नहीं था, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे कुछ तैयार करके भेजा। उसने डिश को कई बार बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार बोंग उसमें कमियां निकालकर वापस भेज देता। आखिरकार शेफ भी तंग आ गया और उसने हाथ खड़े कर दिए। उसने गुस्से में कह दिया कि अगर रानी जी को इतना ही पता है तो खुद बना ले आकर। बोंग को अब भी अपनी खाना बनाने की सारी टेक्निक्स याद थी। वो शाही किचन में गया और एक चाकू उठा लिया। सारे नौकर आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रहे थे, क्योंकि बचपन से आज तक रानी ने रसोई में कदम तक नहीं रखा था। सब डरे हुए थे कि आज ये सब्जी के साथ साथ अपनी उंगली भी डालेगी खाने में, लेकिन बोंग ने बहुत तेजी से सब्जियों को छीलना शुरू कर दिया। उसने सब कुछ एकदम परफेक्ट और सही साइज में काटा और आखिरकार लजीज रामन तैयार कर दिए। वो अपने कमरे में जाकर मजे से अपना बनाया खाना खाने लगा, लेकिन उधर किचन में शेफ को बोंग की काबिलियत से जलन होने लगी। उसने बाकी सबसे कहा, अरे ये खाना सिर्फ दिखने में अच्छा है, स्वाद होगा इसका एकदम टट्टी। अपनी बात को सही साबित करने के लिए उसने बर्तन में बचा खुचा खाना टेस्ट किया। वो इतना स्वाद था कि उसके हाथ से चम्मच ही छूट गई।
इसके बाद बॉन्ग को एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि अपनी खाना बनाने की काबिलियत से वो शाही परिवार का दिल जीत सकता है। अगर उसने महारानी को अपने खाने से खुश कर दिया तो वो तालाब को फिर से भरने के लिए मान जाएगी। बॉन्ग तुरंत किचन में गया, लेकिन शाही बावर्ची एक बार फिर से अपनी धौंस जमाने लगा। इस बार बॉन्ग भी चिढ़ गया और उसने शेफ को खाना बनाने के मुकाबले के लिए चुनौती दे दी। पहले तो शेफ ने मना कर दिया, लेकिन बॉन्ग के बार बार उकसाने पर आखिरकार वो भी मान गया। नौकर के घंटी बजाते ही मुकाबला शुरू हो गया। बावर्ची ने अपना चाकू उठाया और तेजी से गाजरें काटने लगा, लेकिन रानी के हाथ इससे भी तेज थे और उसने पलक झपकते ही एक खीरा काट दिया। कुछ ही मिनटों बाद बॉन्ग की डिश तैयार हो गई और उसने बावर्ची से पहले घंटी भी बजा दी। वैसे हमारी रानी साहिबा मुकाबला जीत चुकी थी, लेकिन बावर्ची चिढ़कर कहने लगा, चलो माना स्पीड भी जरूरी है, लेकिन असली बात तो स्वाद की है। बॉन्ग ने शाही क्विजीन एक्सपर्ट से कहा कि दोनों के खाने को चक्कर बताए कि कौन सा बेहतर है। उसे रानी की बनाई डिश बेहद पसंद आई और बॉन्ग जीत गया। इसके बाद किचन का पूरा कंट्रोल बॉन्ग के हाथ में आ गया। उसने महारानी के खाने को ध्यान से देखकर समझा कि वो चुन चुन कर खाती थी, क्योंकि हाल ही में उनके दांत में दर्द रहने लगा था। तो बॉन्ग ने फैसला किया कि वो महारानी के लिए नरम खाना बनाएगा। उसने बड़ी मेहनत से आलू और दूध की एक डिश बनाई और उसे कुछ फूलों से सजाकर दिखने में भी खूबसूरत बना दिया। बॉन्ग खुश होकर खुद ही महारानी के लिए खाना लेकर गया, लेकिन उस तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में वो थोड़ा ठंडा हो गया था और प्लेट में थोड़ा इधर उधर फैलने की वजह से प्रेजेंटेशन भी खराब हो गई। ये सुनकर बॉन्ग उदास हो गया, पर महल में वापस जाते समय उसके दिमाग में खाना परोसने का एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने कपड़े की सिलाई की और कुछ कारीगरों से कहकर एक स्पेशल खाना पहुंचाने के लिए कैरेज बनवाया। वो हर तरफ से ढका हुआ था, जिससे खाना गरम का गरम ही रहता था। बॉन्ग हर रोज एक से बढ़कर एक डिशेस बनाता और नौकरों के हाथ महारानी के पास भिजवा देता। महारानी भी गर्मा गर्म खाना चट कर जाती थी। सब कुछ बॉन्ग के आइडिया के हिसाब से बढ़िया चल रहा था। कुछ दिनों बाद राजा ने एक दावत रखी जहां पूरे देश से मंत्री आने वाले थे। बदकिस्मती से उसी दिन सारे रसोइये बीमार पड़ गए और रसोई में नौकरों की कमी हो गई। जब ये बॉन्ग को पता चला तो उसने रसोइयों की मदद करने का फैसला किया। वो भेष बदल कर रसोई तक पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सिर्फ बंदों की नहीं सब्जियों की भी कमी है। अब ज्यादा चॉइस तो थी नहीं। उसने दिमाग लगाया और सोचा कि इन्होंने चिप्स तो कभी नहीं खाए होंगे। उसने आलू की पतली पतली स्लाइसेस काट कर एक स्टिक पर लगाई और उन्हें डीप फ्राई कर दिया। मेहमान चिप्स को देखकर ज्यादा खुश नहीं हुए, क्योंकि वो तो शाही खाने की आस लगाए बैठे थे, लेकिन चिप्स के मुंह में जाते ही सब उनके दीवाने हो गए। अगली डिश बॉन्ग के लिए और भी मुश्किल थी, क्योंकि रसोई में मीट नहीं था। उसने वेजिटेबल बर्गर बनाया और साइड में टमाटर रख दिया। अपनी इस नई डिश को उसने नाम दिया मैकडोनाल्डू, जिसे हम सस्ता मैकडॉनल्ड्स भी कह सकते हैं। ये भी सबको इतना बढ़िया लगा कि सारे मेहमान उंगलियां चाटते रह गए। मीठे में बॉन्ग ने एक जेली डेजर्ट बनाया, लेकिन कुल्फी की डंडियों पर उसने कुछ भी लिखकर कह दिया कि ये खाने वाले को उसका भविष्य बताएगी। सभी में वो कुल्फी खाकर अपना भविष्य जानने की बड़ी उत्सुकता हुई। बॉन्ग ने दावत को बर्बाद होने से बचा लिया था। महारानी उसकी काबिलियत और सूझबूझ से बहुत खुश हुई और उसने बॉन्ग से अपना इनाम मांगने को कहा। बिना वक्त गवाए बॉन्ग ने तालाब को फिर से भरने की मांग की। महारानी ने उसकी बात मान ली और नौकरों को काम पर लगा दिया, लेकिन 19वीं सदी में इस काम को करने के लिए कोई मशीन तो थी नहीं। नौकर दूर के कुएं से बाल्टियां भर भर के तालाब में डाल रहे थे। बॉन्ग परेशान हो गया, क्योंकि इस काम में बहुत टाइम लग रहा था। उसने एक नया तरीका निकाला और सभी नौकरों को एक जगह खड़े रहकर सिर्फ पानी की बाल्टी को आगे पकड़ाने को कहा। इस सिस्टम से काम बहुत आसान और जल्दी होने लगा। बॉन्ग दिन रात बैठा तालाब भरता देखता रहा। कई दिन बीत गए, लेकिन तालाब में अभी भी ना के बराबर पानी था। वो इंतजार करते करते थक चुका था। तभी अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई और धीरे धीरे तालाब भरने लगा। बॉन्ग बारिश को देखकर बहुत खुश हुआ। कुछ घंटों बाद तालाब भर गया और बॉन्ग एक पत्थर पर अपना नाम लिखकर पानी में कूद गया। कहानी की शुरुआत की तरह ही वो अब भी पानी में डूबे जा रहा था। आंखें खुली तो खुद को हॉस्पिटल में देखकर वो हैरान रह गया। एक पुलिस ऑफिसर कुछ ही दूर सो रहा था। उसे लगा कि खाने में वो फिश हुक मिलने की वजह से वो उसे गिरफ्तार करने वाले हैं। उसने धीरे से वहां से रफू चक्कर होने की कोशिश की, लेकिन ऑफिसर एन मौके पर उठ गया और तेजी से उसका पीछा करने लगा। बॉन्ग उससे तो दूर आ गया, लेकिन सामने से दो और ऑफिसर्स ने उसे घेर लिया। किसी तरह बचते बचाते वो एक लाइब्रेरी में गया, जहां उसने हिस्ट्री की एक किताब ढूंढी। वो 19वीं सदी की जोसियोन डायनेस्टी के बारे में पढ़कर मुस्कुराया
क्योंकि वो भी अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका था। लेकिन उसी वक्त पुलिस वाले भी वहां पहुंचे। वांग ने एक बार फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन एक ऑफिसर ने उसे बताया कि वो उसे पकड़ना नहीं चाहते। पता चला कि उसके टाइम ट्रैवल की वजह से प्रेजेंट भी बदल चुका था। अब पुलिस उसे पकड़ नहीं रही थी बल्कि उसे सिक्योरिटी दे रही थी, क्योंकि बॉन्ग ने जासूस बनकर एक करप्ट नेता का पर्दाफाश किया था। बॉन्ग ने तुरंत एक कंप्यूटर में सर्च करके पता लगाया कि वो सच कह रहे थे। आखिरकार वो एक सड़क पर खड़ा सोच रहा था कि कैसे इतिहास के एक छोटे से बदलाव से भविष्य पर इतना असर पड़ जाता है। तो अगर आपको मौका मिले कि बीते हुए कल में जाकर किसी भी चीज को बदल सकते हैं, तो वो क्या होगी, कमेंट्स में जरूर बताना।